नमस्कार दोस्तों, इन्फिनिक्स जीरो थर्टी स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है कुछ अफ्रीकन कंट्री में। ये फ़ोन काफ़ी सस्ते में लॉन्च हुआ है और ये फ़ोन इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है काफ़ी कम प्राइसिंग में। ये फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था इंडिया में इन्फिनिक्स जीरो थर्टी 5G स्मार्टफोन, उसी की तरह ये भी फ़ोन है, लेकिन इस फ़ोन का प्राइसिंग काफ़ी कम होगा। क्या कुछ मिलेगा इस फ़ोन में और क्या हो सकता है प्राइसिंग और कब इंडिया में ये फ़ोन लॉन्च होगा, इसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन अभी आपको मिल जाता है अंडर 20K में भी, और इन्फिनिक्स जीरो थर्टी 5G स्मार्टफोन भी इसी प्राइसिंग के आसपास में लॉन्च हुआ है। जैसे कि 22,000 में आपको मिलता है इंडिया में इन्फिनिक्स जीरो थर्टी 5G स्मार्टफोन, लेकिन इन्फिनिक्स जीरो थर्टी स्मार्टफोन अफ्रीकन कंट्री में लॉन्च हुआ है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है, और ये फ़ोन इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है और प्राइसिंग काफ़ी कम होगा। इस फोन में भी आपको मिलता है कर्व एमोलेड डिस्प्ले। सबसे पहले आप यहां पर इस फोन का देख पा रहे हो फर्स्ट लुक। ये फोन देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि इंडिया में लॉन्च हुआ था इन्फिनिक्स जीरो थर्टी 5G स्मार्टफोन। देखिए, अभी मैं जिस फोन के बारे में बात कर रहा हूँ वह एक 4G फोन है और ये फोन इंडिया में लॉन्च होना कन्फर्म हो चुका है। स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सिमिलर है। जिस टाइप से स्पेसिफिकेशन है इन्फिनिक्स जीरो थर्टी 5G स्मार्टफोन का, सिमिलर स्पेसिफिकेशन इस फोन का भी है, लेकिन यह एक 4G फोन है, बस इतना ही का अंतर है और प्राइसिंग काफी कम होगा। यह फोन आपको मिल सकता है अंडर 15K में। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में। आप यहां पर देख पा रहे हो इसका जो बैक लुक है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस फोन में भी है 6.78 इंच का कर्व एमोलेड डिस्प्ले जो कि आता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। उसके बाद जो कैमरा सेटअप है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको मिलता है 108MP का AI ट्रिपल कैमरा, जहाँ पर है 108MP का मेन कैमरा विदाउट एनी OIS। उसके बाद 2MP का है माइक्रो और 2MP का है डेप्थ। और फ्रंट में दिया गया 50MP का सेल्फी कैमरा जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो 2K में 30fps तक। बिकॉज यह एक 4G फोन है इसलिए आप इसमें 60fps तक रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज प्रोसेसर उतना कैपेबल नहीं है। अगर हम बात करें प्रोसेसर के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ मिलेगा MediaTek का हेलियो G99 जो की एक 4G प्रोसेसर है और आता है LPDDR4X RAM के साथ और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। इसका पहला वेरियंट होने वाला है 8GB 256GB का। बाकी आपको देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, डुअल स्टीरियो स्पीकर होने वाला है और इस फोन में दिया गया 5000mAh का बैटरी जो कि आता है 45W चार्ज सपोर्ट के साथ। तो कुछ इस टाइप से स्पेसिफिकेशन होने वाला है। बस यह एक 4G फोन है और प्राइसिंग काफी कम होगा और यह फोन इंडिया में लॉन्च भी होने वाला है। अभी के समय में 4G फोन बाय करना उतना सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपका बजट काफी कम है और कम बजट में चाहिए अच्छा खासा फोन तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। इन्फिनिक्स जीरो थर्टी 4G स्मार्टफोन काफी इंटरेस्टिंग फोन है और यह फोन इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। अगर लॉन्च होना होगा तो दिवाली के आसपास में ही आपको दिख जाएगा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर, और प्राइसिंग होने वाला है अंडर 15K। तो अंडर 15K में आपको मिलेगा कर्व एमोलेड डिस्प्ले, प्लस में कैमरा सेटअप भी काफी जबरदस्त है। तो फोन काफी सही है, लेकिन यह एक 4G फोन है इसी बात को लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन प्राइसिंग भी काफी कम है। आपको मिलेगा अंडर 15K में ये सारा कुछ। धन्यवाद।